ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वानुदेवे प्रणमामि जाचे निपत्त भूवि दण्डवतोद्भटार्ति अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणना अङ्गश्यामलिं सदाभिरभि मन्दे कृतेन्दे वरम् जडं जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिय वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्द निवेशितो जलभुजं ध्यायेन्दा भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमत् कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाये तं नयमाम चरणं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानं जशोदाभियोलुखलाद्धावमानं परमेष्टमत्यं ततो द्रुत्यगोप्यं हम लोग श्री श्री दामोदर अष्टक के पहले श्लोक के श्री श्रीमद सनातन गोस्वामी की टीका का हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लेनिंग द टीका ऑफ श्री सनातन गोस्वामी ही हैज रिटन अबाउट दिस श्लोक। तो हम लोगों ने ये बताया सनातन गोस्वामी जी श्रीमद भागवत के श्लोक को लेकर के बतला रहे हैं का स्त्रियं थे कल्पदायक थे। गोपियों ने कहा कि हम लोग जो धर्म का उल्लंघन कर रही हैं हम अपने पतियों के पास से आपके पास में चली आई हैं और इसके लिए हमें जो नरक जाने के लिए आप कह रहे हैं धर्म का उल्लंघन बतला रहे हैं। यथार्थ में ये हमारा धर्म का उल्लंघन नहीं है, ये आप ही धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए जो भोग करना पड़ेगा आप ही को इसका भोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर मनोहारी रूप जिसके तुलना पृथ्वी में नहीं है, अनुपम माधुरी आपके रूप की छटा है और उसको लेकर के हमारे समीप में आए हैं और उस पर भी मूर्छना और अवरोह आरोह के साथ युक्त आप जो बंसी बेणु बजा रहे हैं आप कहीं करते हैं ना सम्मान देते हैं मतलब उनको सम्मान नहीं दे आप माने क्या आप माने तुम नहीं डिक्शनरी सूट पीछे इसका बहुत से अर्थ होता है। भड़किए मत भड़किए
हम लोग जानते हैं कि आप भीतर में रसस्थ हैं, ऊपर से ऐसा कहते हैं, हम जानते हैं, कोई मालूम नहीं है। अब हम आपके स्वरूप को भली भांति परिचित हो चुके हैं, ठीक से नहीं जाने, अब कोई बात नहीं है। आप लोग चलिए चलिए। तो गोपियां कह रही हैं, धर्म उल्लंघन का दोष इसका प्रत्यवाय आपको ही भोगना पड़ेगा, हमें नहीं, क्योंकि इतना सुंदर अनुपम रूप माधुरी और वेणु माधुरी को लेकर के हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए ऐसा कौन है, पशु पक्षी कीट पतंग जलतर और छल स्थलचर, जो अपने धर्म से विचलित न हो जाए। जल स्थल बन जाता है और स्थल तरल बन जाता है, ये पत्थर पहाड़ ये द्रवित हो जाते हैं, जमुना तरल किंतु वो स्थिर होकर के वो जड़ जैसे जम जाती है। पशु पक्षी अपना धर्म छोड़ देते हैं, हिरणे भय छोड़ करके कृष्ण के समीप आपके समीप में चली आती हैं। इसलिए यदि कुछ दोष है हमारा, हम अपने पातिव्रत धर्म को छोड़ करके आपके चरणों में आई हैं, तो इसका धर्म उल्लंघन का भागी आप होंगे। हम नहीं, गोपीज आर टेलिंग दैट वी हैव ब्लेस्ड और पातिव्रत धर्म चेस्टिटी चेस्ट चेस्टिटी चेस्टिटी एंड वी हैव कम टू यू गिविंग अप और ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशन रिलीजन एवरीथिंग वी हैव लेफ्ट एंड वी हैव कम टू यू एंड यू आर टेलिंग दैट यू विल हैव टू गो टू हेल्प फॉर दिस दोज हु आर दे डू नॉट प्रॉपर ऑनर देयर हस्बैंड्स वेदर हस्बैंड इज लेम एनीथिंग हू आर बट वाइफ शुड ऑनर हिम बट वी हैव कम हियर So you are telling that you will have to go to hell. But we think that we will have not to go to hell, or if you will go, then you will have to also to go in hell. आपको भी इसके लिए जाना पड़ेगा। क्यों? Why you have taken this beautiful shape? And after this, you have so good Venu Madhuri. Sweet Madhuri of Venu. So in this world we think that there is no one in this whole world, any lady, and what to tell any lady, animals, birds, rivers, mountains, all can change their dharma. Dharma means what? Religion, yeah, they said. They can change their moods. All they can change. So we are not aparadhi ya doshi. We are not offender. You are Malli, that you have brought so very beautiful face, qualities. And after all, you are singing so beautifully sweet in your venue. So you are guilty for this. We are not guilty for this. You are not guilty. We are not guilty. Only you are guilty. Yes. So, Krishna is so beautiful. Even Narayan is so beautiful, even Ramchandra more beautiful, even Krishna more beautiful of Dwarka and Mathura. But when he appears with gopis, he is most beautiful. Then he becomes Manmath Manmathaha, as it has been told in Srimad Bhagavatam. But in Dwarka he is not Manmatha. In Vaikuntha he is not Manmatha.
सो कृष्ण नंदनंदन एस्पेशली व्हेन ही मीट्स विद गोपीज इन द मीटिंग ऑफ गोपीज ही बिकम्स अनपैरेलल्ड ब्यूटीफुल एंड देन ही टेक्स हिज फ्लूट अदरवाइज ही विल नॉट टेक फ्लूट इन मथुरा आर्ट द्वारका with Satyabhama and Rukmini. So we are not guilty, gopis are telling. If anyone guilty, your face, your beautifulness, your sweet, all these things are guilty for this. Again, Sanatana Goswami is giving the example. Wo puna Sanatana Goswami ji ek aur udaharan de rahe hain ki Krishna kaise sundar hai. उद्धव द्वारकापुरी से आ रहे हैं, पहले अर्जुन लौट करके आए, द्वारका विध्वंस हो चुकी थी, साधारण लोगों की दृष्टि से ओझल होकर के समुद्र में लुप्त हो गई थी। अर्जुन ने देखा जी हमारे सखा हमें छोड़ करके अपने नित्य धाम में चले गए, गृह में आतुर होकर के द्वारका को छोड़कर और रोते रोते पहले चले आए इंद्रप्रस्थ में। इसके बाद में उद्धव जी को कृष्ण ने कहा था कि तुम मैत्रेय जी से बद्रिकाश्रम में मिलना और हमारी सारे उपदेश उनको बतलाना, इसलिए उद्धव जी रोते 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 कृष्ण के विरह में विदुर जी से मिले यमुना के किनारे। ऐसा मालूम होता है कि ब्रज के किसी भाग में यमुना में ही, यमुना के तट पर भी वो मिले थे। जब विदुर जी से मिले तो बड़े जोर से रोने लग गए। When Krishna disappeared and he went to his, he entered his hymn, अप्रकट लीला तो गोल गोलोक वृंदावन उद्धव felt so much deep separation for Krishna. Krishna has ordered him to meet Vidur and Maitreya at Badrikashram. So when he was coming to Braja, he met Vidur in any place in Braja, on the bank of sweet Yamuna. Uddhav began to weep. To see Vidur, he was rolling down on the earth. Tears were coming so much. Vidur could not think that what has become. May I submit one thing? In the middle? Yes, I am just now. You can do. If you are my Shiksha Guru, you can do all this. No taking of orders. No, I am submitting very quickly. Maharaj is speaking that Uddhav became very much sorry for separation. But he is omnipresent. Krishna is omnipresent. Present to everywhere. That is the situation I can't understand. Yes, Nakdamo Nekni Guru Chai. Vilnes Vahyagra. So, Pujapatra become a Shiksha Guru. And he wants to, what? Inspire me. That he has taught me to tell. He has taught everything me. And what I am telling, I am only telling from his grace. So, sometimes when I forget anything, he reminds me to tell. So I'm thinking that he is inspiring me to tell something. He is so intelligent. I cannot touch his lotus feet dust also. How he is intelligent. So,
विदुर उद्धव जी के संबंध में कहा, यमुना किनारे विदुर कृष्ण की मधुर लीलाएं ऐसे ही हैं कि जड़ पदार्थ को वो भी मुग्ध कर देती हैं, तो उद्धव जी जैसे लोगों की बात क्या है। उद्धव जी में दो चीजें हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों। जब उद्धव जी रहते हैं द्वारका में कृष्ण के साथ में, तो ऐश्वर्यमयी लीलाओं के तरफ में ऐश्वर्य भाव उनके हृदय में होता है, और जहाँ कृष्ण उनको गोपियों के पास में ब्रज में भेजते हैं, तो वो सब कुछ कृष्ण को भी भगवत्ता इत्यादि भूल करके गोपियों के जैसे भाव में रंग जाते हैं। किंतु उनका रंग कैसा है, जैसे हम लोग कपड़े में कोई रंग देते हैं फिर साबुन से उठा देते हैं, वैसे नीली रंग, जब नीलमा रंग है उनका, तो जब वो ब्रज में आ जाते हैं तो गोपियों के रंग में रंग जाते हैं, किंतु जब ही वहाँ चले जाते हैं वो रंग उतर जाता है। इसलिए उनके दो प्रकार के भाव हैं। इसलिए जब अर्जुन इसको फील कर रहे हैं, उद्धव जी उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए सभी लोग जितने वहां पर हैं अभी द्वारका में सभी लोग रो रहे हैं। ऐसे मत समझ लिया जाए कि उनमें केवल ऐश्वर्य भाव ही है, द्वारका में भी ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों हैं। समय अनुसार से वहां पर कब जब ऐश्वर्य प्रधान हो रहता है, इसलिए कभी कभी वो ऐश्वर्य माधुर्य से दब मात्र जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पर माधुर्य ही नहीं है, इसलिए वहां पर भी और उद्धव में भी माधुर्य है। इसलिए उनको ये नहीं मालूम होता है कभी कभी कि कृष्ण भगवान है और वो सर्वत्र है, वो अप्रकट धाम नहीं गए, ऐसा नहीं, उनको भी ऐसा प्रतीत होता है। जब युधिष्ठिर इत्यादि पांचों पांडवों को ऐसा लगता है कि कृष्ण चले गए तो रोने लगे, अर्जुन विरह कातर होकर रोने लगे, तो फिर उद्धव जी की तो बात क्या, अर्जुन से हजार गुना श्रेष्ठ ये उद्धव है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमने पूज्य पात्र विक्रम महाराज जी से ऐसा ही सुना था, उन्हीं की बात मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर उद्धव जी बट आई टोल्ड विल क्लियरिफाई ऑल इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इफ आई एम डूइंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन देन इट विल हेल्प, सो दे विल ट्रांसलेट। तो उद्धव जी विरह कातर होकर के विदुर जी से रोने लगे। उद्धव फेल्ट सो मच डीप सेपरेशन फॉर कृष्ण, सो ही बिगन टू वेप एंड बिगन टू टेल उद्धव जी से वो कहने लगे बड़े विरह कातर होकर आ कृष्ण में छल करके चले गए। क्यों छल करके चले गए, उद्धव जी को कहा जाए तुम रहना अभी मत जाना। उद्धव जी कह रहे हैं हमको छल करके चले। उद्धव जी टेलिंग दैट कृष्ण हैज चीटेड अस एंड ही वेंट टू गोलोक वृंदावन, सो ही बिगन टू वेप एंड टेल, ही बिगन टू टेल फ्रॉम द लाइफ कैरेक्टर ऑफ श्री कृष्ण फ्रॉम बॉयहुड एंड ही टोल्ड ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण, especially he is telling the beautiful shape of Krishna, how he was so beautiful. He is telling, Sanatan Goswami is giving two only lines of four lines among four lines, do line char line mein se do line yahan par de rahe hain, bhishmapanam swasacha saubhar gar saubhar garbhe gaudde परम पदम भूषण भूषणांगम जन्मदिपुल श्लोक इज दैट जन्मत्त लीलोपैकम सजोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। वो कह रहे हैं जन्मत्त लीलोपैकम सजोग माया बलम दर्शयिता, कृष्ण की वो मधुर लीलाएं जो जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं और जगत के लिए परम सौभाग्य की बात है,
कि वो लीलाएं कृष्ण की प्रकट हुई हैं जगत में। इसलिए कृष्ण ये दिखलाना चाहते हैं अपने जोग माया का बल दिखलाना, जोग माया का अवलंबन करके इस जगत में कृष्ण जी पधारे हैं। कृष्ण हैज कम टू दिस वर्ल्ड टेकिंग द आश्रय ऑफ जोग माया। ना हम प्रकाशम सर्वस्य जोग माया समाप्ता। ऑलवेज ही इज कवर्ड विथ जोग माया एंड जनरल पीपल cannot realize him that he is supreme personality of Godhead। साधारण आदमी नहीं समझ सकते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, नहीं समझ सकते। कंस जरासंध इत्यादि कृष्ण के साथ में हाथ मिला करके भी युद्ध करते हुए भी कृष्ण को नहीं समझ सके। कालजवन उनको नहीं समझ सका। दुर्योधन के कृष्ण समधी हैं किंतु दुर्योधन और ये सब असुर कर्ण इत्यादि नहीं समझ सके। समझना बड़ा भारी कठिन है। जो लोग परम भक्त हैं, सिद्ध भक्त लोग हैं, वही उनको देख सकते हैं। साधारण आदमी के लिए देखना देखना माने कृष्ण के स्वरूप को देखा किंतु उनको नर समझा, अपना शत्रु समझा, भगवान के रूप में नहीं समझ सकते। इसलिए जोग माया हम लोग धाम में भी आने पर भी धाम में नहीं है। हम लोग धाम हम माया के ऊपर में है। क्या जन उठाए जखन कृपा करी माया कृपा करी जाए जखन आखि देखे सुविशाल चिन्मय भवन। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द माया। We are not in Mathura Dham or Brijmandal, but it is not for pure Vaishnavas. So we cannot see Krishna if you are not bhakti. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridaye pi vilokayanti jangshyam sundaram achinta guna swarupam govindam adi purusham. So he is telling those who are deep past times of Krishna are helpful for world to go to Krishna and to serve Krishna. Krishna has appeared in this world by the ashray of Yoga Maya. How? When Krishna comes in this world, जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वो संपूर्ण रूप से चिन्मय है, सच्चिदानंदमय। और ये जगत माया जगत, माया जगत से उनका संपर्क नहीं, किंतु जोग माया थोड़ा सा जोड़ देती है। कृष्ण के प्रकट लीला के समय में ये जगत से थोड़ी सी संबंध करा देती है, जिससे कि कृष्ण की लीलाएं उस समय के सभी लोग दर्शन करते हैं किंतु कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाते, न कृष्ण को समझ पाते, किंतु देखते हैं। अगासुर बकासुर ने कृष्ण को देखा किंतु कृष्ण को कृष्ण नहीं समझ सकता। इसलिए जोग माया संपर्क उस समय में करा देती है। जोग माया मेक्स एनी कनेक्शन और रिलेशन विद दिस वर्ल्ड एंड कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। His all the past times are all Sachidananda. His name, his shape, beauty, his beauty, his quality, qualities, everything, his attendance, all are Sachidananda. Like Yatkin Chitrin Guru Veti Kyatamukam Goste Samastang Hitat Sarvananda Mukunda Daitang Lilanukulam Param Shastri Rev Mohur Mohur Nishtang Hitang Janchya All the trees, all the creepers, or everything in this world at the time of Krishna in his Prakat Lila, all were Sachidananda. But also Duryodhan and all were also in this world. They are not Sachidananda. So Krishna takes the help of Yog Maya. Not help, but he orders Yog Maya to do like this. वो आश्रय उसका लेकर के जगत में आते हैं। उस समय उनका कितना सुंदर रूप होता है जब कृष्ण आते हैं इस जगत में। That रूप विष्मापनम स्वस्य च
सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांग विषमापनम स्वस्य कृष्ण बिकम्स सो सरप्राइज्ड इट्स मेक्स कृष्ण आल्सो सरप्राइज और वंडर हाउ ब्यूटीफुल आई एम. कृष्ण सोचते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, इसलिए स्वयं ही उस अपने रूप को देख करके और आश्चर्यचकित रह जाते हैं. उसको भोग करने की लालसा उनके हृदय में होती है, कितना हम मैं सुंदर हूं. अब परिकलित पूर्व कर्म कश्य चमत्कारकारी सुरत मम गरियान एष माधुरी पूरा. Krishna thinks, how beautiful I am. Sometimes, looking in glass, he was saying that a boy naked was making round on the pillars of Nanda Bhavan, and he saw that a boy having curd in his or makhan in his hand, butter, was making round of that pillar. He saw his pratimurti, shadow, reflection. And he became at once surprised. Who is he? I have never seen his इन ब्रज, मैंने कभी ब्रज में ऐसा सुंदर लड़का नहीं देखा. ये कौन है, हाथ में मक्खन लेकर के घूम रहा है ये भी. तो कृष्ण ने सोचा जिसे इस लड़के से मित्रता करनी चाहिए. कृष्ण saw that he is very beautiful, but it was his shadow, he not himself, not any other another boy. He wished that I should make him friend, so he used to give his butter makhan butter to him. Oh, you should take. Then he also decided like this, that you should take. But Krishna, he said, why you are doing so? He chastised. Then he also chastised. Then Krishna took that, I will give a slap. Who is he? Yashoda was saying, she was churning curd. And Krishna saw that mother has saw. He at once became shame, and he ran up to his mother and came in the lap of mother, and he took and hide him and hide himself in his lap. At that time he is thinking, how beautiful I am, how can I taste in this world, whole Golok Vrindavan also, only Srimati Radhika taste is so much. So I want to take the mood of Radhika and to test this beautiful, sweet face. So Krishna himself, what to tell others, all the deities and everything, becomes charmed by seeing the beautiful, sweet, fragrant and very soft face of Krishna. So another he is also, he is telling that not Krishna is beautiful, but his all associates are so beautiful. All are Sachidananda. Sabhi Krishna ke jitne bhi hain, wo sabhi aise hi madhur hain aur bade sundar hain. Usi ko wo kar rahe hain yahan par bhi parivar ke liye, je Krishna ka parivar kaisa hai. Krishna beautiful, his associates are so beautiful. Ram has some associates. Dwarkadhish has his associates. Lakshmi Narayan has also so many associates. Among the associates of Ramchandra, Hanuman is best. He is in the shape of moon, but he is so beautiful. Krishna associates, Krishna ke jo
ऐश्वर्य से हैं द्वारका में, उद्धव जी, अक्रूर जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, और भी ऊपर चलते जाइए, सत्यभामा वहां पर सबसे अधिक श्रेष्ठ है। किंतु कृष्ण गोपियों के समाज में जब आते हैं तो उसकी तुलना जगत में किसी से भी नहीं है। ऑल आर श्रेष्ठ लाइक नारद जी ऑफ लक्ष्मी नारायण, हनुमान, सीता और लखन ऑफ रामचंद्र, सत्यभामा एंड ऑल अदर्स, उद्धव, देयर एसोसिएट्स ऑफ द्वारकाधीश कृष्ण। बट कृष्ण बिकम्स अनपैरेलल व्हेन ही बिकम्स इन द समाज ऑफ गोपीज, इन द सोसाइटी ऑफ गोपीज, ओनली ही टेक्स हिज फ्लोट ऑन हिज, not any other place. So he is telling that the parikar of Krishna, they are most superior than Vaikuntha and Dwarka associates. Krishna ke jitne bhi parikar hain ve sabse shreshth hain, aur un parikaron mein kramashah dheere dheere karte 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 sakha दास्य, चित्रक, पित्रक और उनसे भी श्रेष्ठ उनके सखा, उनसे भी श्रेष्ठ उनकी मैया और उन ऐसी सब माताएं और पिता, माता पिता में भी माता ही श्रेष्ठ, नंद बाबा से भी श्रेष्ठ और उनसे भी गोपियां श्रेष्ठ, उनमें भी क्रमशः चंद्रावली इत्यादि सखियां और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ ये स्मृति राधिका है। उन्होंने पुराणों में या किसी जगह और लिखा ने दो उनकी चंद्रावली और तयो अपि उभय मध्ये राधिका राधिका की और स्वरूपी अमृतय। यदि गोपियां कृष्ण के साथ में न रहें तो उतने सुंदर नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि यदि भक्त न रहें कृष्ण अकेले रहें तो निर्विशेष ब्रह्म हो जाएंगे। भक्तों के साथ में रहने ही में ही भगवान, और गोपियों के साथ में रहने पर वो मनमथा है, वो अनुपम है। चकाश गोपी परिषद गतो अर्चितम त्रैलोक लक्षैक पदम बपो दधत। यह सनातन गोस्वामी इज गेटिंग अनदर एक्सटेंस, वो और एक उसकी उपमा दे रहे हैं जो कृष्ण कैसे सुंदर हैं, मनमथ मत मत कैसे हैं, इसी का वो दिखला रहे हैं। कृष्ण रास के पश्चात रास के बीच में अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियां गोपी गीत से उनकी आराधना करने पर कृष्ण उस समय में प्रकट हुए, कुछ लज्जित सा मुख और कुछ अपराधी जैसे, गले में चादर लपटे हुए, तृणा तपी जैसे सुनी छो रहे हो, और उनके सामने में लज्जित होकर के उपस्थित हुए। कृष्ण अपीयर बिफोर द गोपीज when gopis were weeping bitterly and they were singing gopi geet, praying that you should come, just you should come before us. उस समय में कृष्ण उनके सामने में प्रकटित हुए, कुछ लज्जित होते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, अपूर्व उनकी छटा। उस समय में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं त्रैलोक लक्ष्मी का पदम बपुर दधत। लक्ष्मी माने हियर यहाँ पर है रूप माधुरी। हियर सनातन गोस्वामी टेलिंग दैट कृष्ण एट दैट टाइम व्हेन कृष्ण अपीयर्ड आफ्टर हिज डिसअपीयरेंस टू गोपीज, कृष्ण वाज सेमिंग समथिंग, ही वाज स्माइलिंग समथिंग as if he is guilty to gopis. Gopis has left everything for Krishna, but Krishna disappeared. So when he appeared before them, he was like a guilty but yet a smiling face. Gopis made him asan, sit of their well
of their wealth. Kumkum was there. सजातीय जितनी भी गोपियां थी, बहुत तरह की, चारों प्रकार की गोपियां या छह प्रकार की गोपियां, अपने अपने सजातियों के साथ में अपने अपने चुंदरी की आसन एक जगह कई, और उस पर कृष्ण उस पर प्रकटित हुए, कोटि कोटि प्रकार की गोपियां उसी तरह से उन्होंने रूप धारण करके सबके सामने मानो बैठे हुआ और सबसे बातचीत कर रहे हूं इस प्रकार से। तो उस समय में उनकी जो रूप माधुरी थी, कुछ लजाते हुए, कुछ शर्माते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, चेहरे पर भी रंग बिरंग भाव आ रहे हैं उस समय देखने लायक। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सके। विषमापनम स्वच्छ पदे का है और यहाँ पर त्रैलोक के लक्ष्य में, त्रिलोक में ऐसी कभी अनुपम माधुरी कभी नहीं थी। देश ब्यूटिफुल ब्यूटिफुलनेस ऑफ कृष्ण वॉज सो मच हाई दैट सुखदेव गोस्वामी सा दैट नेवर कृष्ण हैज अपीयर्ड लाइक दिस। सो ही वॉज सो ब्यूटिफुल, ही वॉज सो ब्यूटिफुल दैट नो यूज ऑफ टेकिंग ऑर्नामेंट्स। ए ब्लैक पर्सन, एक काला कलूठा व्यक्ति या लड़की पाउडर लगाकर अलंकार धारण करके विवाह के समय में परम सुंदर सी लगती है, और वो सब हटा देने पर सुंदर नहीं लगेगा। हम लोगों की दृष्टि में भी ठाकुर जी को सुंदर कपड़ा जैसे पहनाया गया है तो ठाकुर जी बड़े सुंदर दिखते हैं, और यदि नहीं पहना जाए, मैला कुचाला रहे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। किंतु भक्तों की दृष्टि में नहीं, वो नंगे रहे जैसे रहे वो मनमत मनमत है। इसलिए यहां पर ये बतला रहे हैं कि कृष्ण को अलंकार की जरूरत है। देयर इज नो यूज ऑफ ऑर्नामेंट फॉर कृष्ण टू मेक हिम मोर ब्यूटीफुल। नो पाउडर इन ब्रज, द डस्ट ऑफ ब्रज इज लाइक मोर देन पाउडर। इफ कृष्ण हैज समथिंग ऑन हिज फेस, द डस्ट आर एनीथिंग, ही लुक्स मोर ब्यूटीफुल। इफ कृष्ण इज नेकेड, मोर ब्यूटीफुल। इफ ही टेकन ऑर्नामेंट, देन ऑर्नामेंट्स आर डेकोरेटेड बाई कृष्ण। भूषणम भूषणांगम दिस इज, सो कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल। कितना बजा? सात। तो आज यहीं तक रहे, अब यहीं तक रहे। आज हम लोग अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से परिक्रमा हम आरंभ करेंगे, और आज हम लोग यहाँ से बीच में मथुरा देवी, मथुरा इज अ देवी गॉडेस, सो वी गो टू मथुरा देवी। रूप गोस्वामी हैज ग्लोरिफाइड मथुरा एंड ही इज सखी ऑफ जमुना, जमुना इज सखी ऑफ मथुरा। इट इज द डोर ऑफ वृंदावन एंड ऑल्सो मथुरा इज इन मधुबन, बिकॉज इट हैड बीन टोल्ड इन श्रीमद् भागवतम। अम्बरीश महाराज वॉज इन मधुबन and his palace was there in Mathura. So Madhuvan, in Madhuvan, Mathura is there. But also the mood of Mathura is different from Vrindavan, Braja. So we are now going to take the darshan of the birthplace of Krishna. So in the way we will see Mathura Devi, वृद्ध दीर्घ विष्णु, दीर्घ विष्णु इज हु व्हेन कृष्ण केम विथ हिज गोप काउहर्ड बॉय इन मथुरा, द काउहर्ड्स आस्क कृष्ण, वी आर सीइंग दैट यू आर अ वेरी लिटिल बॉय एट दिस एज ऑफ about 10 and Kansa
Mushtik, Jarasandha and all are so people. How can you kill Kamsa? You are telling that I will kill Kamsa. We see that we are fearing that you cannot kill him. Krishna just said, do you want to see that how I will kill? Then he became 400 and so big, like Vishnu, 400 he became, and so big and so. Then cowherd began to laugh and, oh yes, yes, you can do everything. Because Narayan is in you. Sometimes Narayan comes. Because Nand Baba has worshipped Narayan and he has controlled Narayan, and by his grace, Narayan comes sometimes in you. But you cannot, Narayan will kill, we know, but you cannot kill. So this is Dirgha Vishnu. And after that we will go to Krishna birthplace, Kanskaragar. There we will see behind, by side, Adi Keshav, where was the oldest temple was there. And it is in a shalagram, big shalagram. Adi Keshav, in a shalagram. When we will see from behind, you see that it is like a shalagram. And when we will see from front, then you will see that it is Adi Keshav. And all the incarnations are in them. Yes. Varahadev, Vamandev, all. This is the specialty of that in Adi Keshav temple there, where Chaitanya Mahaprabhu came, and after it was demolished by Aurangzeb, then new temple was made. That new temple again abolished, and now some little temples are there. So we will go there, all places. And after that we will go to Bhuteshwar Mahadev. Without his mercy we cannot enter in Mathura. Sipaleshwar Mahadev, Rangeshwar Mahadev here, Bhuteshwar Mahadev, and then Gokarneshwar. There are four Mahadev. They are on the boundary lines of Mathura. If they are not pleased, we cannot enter. So we will go to also to Bhuteshwar Mahadev, and we will pray him that you should be qualified that we can enter in Mathura and we can take darshan of Krishna, and also our whole month, this Purushottam, Kartik Vrat, should be go on very successfully. Gaur Premanand. You should ready very soon. Hare Krishna, Hare Krishna. Attention please for announcement. In the God bless of Krishna, camera and audio video not allowed there. We have to go through metal detector. If you take video, audio and camera, police will not allow you to enter there. They will take everything. And it will be very hard to return. Hare Krishna, the announcement, don't put a dispersal in the toilet. In Indian toilet is called autoclass. So don't put a dispersal on the toilet. Yeah. Toilet already flooded, ground floor and first floor. If any problem, you can tell them.